लेपर्ड यानी तेंदुआ। यूं तो लेपर्ड वाइल्ड कैट के तीसरे सबसे बड़े मेंबर माने जाते हैं, जो कि शिकार पे छुप छुप कर वार करना और उन्हें चारों खाने चित्कार देना बखूबी जानते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि लेपर्ड अपने हंटिंग स्किल के बेदाज बादशाह होते हैं, जो कि पहले शिकार को मारते हैं, फिर उन्हें पेड़ पर लेकर चढ़ जाते हैं और बड़े ही आराम से शिकार को एक लजीज पकवान की तरह खा जाते हैं। आमतौर पर लेपर्ड की कुल 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक अफ्रीका और बाकी 8 एशिया में पाए जाते हैं। एनिमल किंगडम में अपना दबदबा बनाए रखने वाले लेपर्ड रात के वक्त भी हम इंसानों से 7 गुना बेहतर देख सकते हैं। अकेले ही शिकार पे निकलना और अंजाम तक पहुंचा देना इनके खून में है। तेंदुआ आकार में भले ही शेर व बाघ से छोटे होते हैं, लेकिन बात जब रफ्तार व फ्लेक्सिबिलिटी की आती है तो ये उन्हें भी पीछे छोड़ देता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि लेपर्ड को छुप छुप कर वार करने में महारत हासिल है, और जो चीज इन्हें ऐसा करने में सफल बनाती है वो है इनके खाल की बनावट और रंग, जो कि इन्हें सूखी घास और पेड़ों की आड़ में छिपने में मदद करती है। तो जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे दिलचस्प बैटल ऑफ से रूबरू कराएंगे, जहां आप साफ तौर पे देख पाएंगे कि कैसे लेपर्ड बड़ी आसानी से परक्यूपाइन तक का शिकार कर देते हैं। तो साथ ही साथ ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे ये शातिर शिकारी जेब्रा को मारकर साथ ही पेड़ पे चढ़ जाते हैं। और भी ऐसे दिलचस्प बैटल ऑफ देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज की ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेपर्ड वर्सेस ईगल। ये बात तो जग जाहिर है कि लेपर्ड का शिकार करने का तरीका बड़ा ही शानदार होता है, जो कि 10 फीट ऊंचा छलांग लगा सकते हैं, और जब इन्हें भूख लगती है तो ये अपने पेट पूजा करने के लिए किसी भी शिकार का शिकार करने से पीछे नहीं हटते और शिकार का पीछा तब तक करते रहते हैं जब तक ये उन्हें मौत के घाट ना उतार दें। और ये बात तो किसी से नहीं छुपी है कि लेपर्ड को पेड़ पे चढ़ने में महारत हासिल है। आप इस वीडियो में साफ तौर पे देख पाएंगे कि कैसे ये लेपर्ड इस ईगल को मौत के घाट उतार देता है। आसमान की बुलंदियों पे प्रवास करने वाले इस ईगल को पहले ही लेपर्ड ने इंजर्ड कर दिया है, लेकिन फिर भी ईगल हार न मानते हुए उड़ने की कोशिश बार बार कर रहा है। वहीं पे ये चालबाज शिकारी तकरीबन 10 फीट ऊंचा छलांग लगाकर इसे मारने के फिराक में लगा हुआ है। अंततः ये बाज अपनी जान को बचाने के लिए पास के ही पेड़ पे जा पहुंचता है। लेपर्ड के हंटिंग स्किल से अनजान ये ईगल अपने आप को बड़ा ही सेफ महसूस करता है। लेकिन दोस्त, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि लेपर्ड के लिए पेड़ पे चढ़ना किसी खेल से कम नहीं है, और इस तरह ये लेपर्ड बड़े ही आराम से पेड़ पे चढ़ जाता है और अंततः अपने शिकार को मौत के घाट उतार कर अपनी भूख मिटा लेता है। लेपर्ड वर्सेस फिश। इस बात में कोई शक नहीं है कि गर्म और ठंडे इलाकों में रहने वाली ये शातिर शिकारी सदियों से जमीन व पेड़ों पे अपना दबदबा बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ये खूंखार जानवर ताजा मांसी खाना बेहद पसंद करते हैं, और यही वजह है कि ये जानवर इलाकों के अनुसार विभिन्न प्रकार के जीवों का शिकार करते हैं। माना जाता है कि इनके सुनने की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है, ये हम इंसानों से 5 गुना बेहतर सुन सकते हैं। एक्सपर्ट की माने तो ये पेड़ पे चढ़ने के साथ साथ पानी के काफी अच्छे तैराक भी माने जाते हैं। आप इस वीडियो में साफ तौर पे देख पाएंगे कि कैसे ये लेपर्ड अंधेरे में मछलियों का शिकार करता है। खुबियां बताती हैं कि इनका शिकार करने का तरीका बड़ा ही शानदार होता है। आपको बता दें कि ये पहले शिकार पे घात लगाकर बैठ जाते हैं और मौका मिलते ही अपने शिकार के गर्दन पे वार करते हैं। इनकी हंटिंग स्किल इतनी बेहतर होती है कि ये शिकार को संभलने तक का मौका नहीं देते, और इस तरह ये लेपर्ड इस तालाब से एक के बाद एक कई मछलियों का शिकार करता है और अंततः अपने शिकार को लेकर पेड़ पे चढ़ जाता है और अपनी भूख को शांत कर लेता है। तो चलिए अब चलते हैं अगले बैटल ऑफ की तरफ, लेपर्ड वर्सेस इम्पाला। ये बात तो किसी से नहीं छुपी है कि लेपर्ड का जबड़ा बहुत ज्यादा मजबूत होता है, जो कि अपनी शिकार पे वार 300 PSI बाइट फोर्स से वार करते हैं, जिसके बाद शिकार का पैरालाइज होना लाजमी है। लेपर्ड के मुंह में कुल 32 दांत पाए जाते हैं, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, कैनाइन दांत, मांसाहारी दांत और कृंतक। आमतौर पर तेंदुए के मुंह में 4 लंबे लंबे मजबूत और नुकीले दांत भी होते हैं, जो कि शिकार को काटने व छेदने के लिए होते हैं। अगर वहीं हम इनके पंजों की बात करें तो इनके पंजों में तकरीबन 1 इंच लंबा नाखून होता है, जो कि सुई की तरह नुकीला और घुमावदार होता है, जिससे इन्हें शिकार का चीड़फाड़ करने के साथ साथ पेड़ पे भी चढ़ने में काफी आसानी होती है। यूं तो लेपर्ड फूड चेन के टॉप प्रेडेटर्स माने जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर इम्पाला पूरी तरह से हर्बीवोरस होते हैं, और यही वजह है कि लेपर्ड इनका शिकार बड़े ही आसानी से कर लेते हैं। और आप इस वीडियो में साफ तौर पे देख पाएंगे कि कैसे ये लेपर्ड एक ही छलांग में इम्पाला का काम तमाम कर देता है। एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि लेपर्ड को छुप कर वार करने में महारत हासिल है। ये पेड़ पे इतनी सावधानी से घात लगाए बैठा है मानो जैसे वहाँ पे कोई है ही नहीं। आमतौर पर ये चालबाज शिकारी इतने शातिर
शातिर होते हैं, ये शिकार को अपनी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होने देते, जिन्हें साइलेंट किलर कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और इनकी ताकत की बात करें तो इनकी ताकत का भी कोई मुकाबला नहीं है, जो कि आप साफ देख पा रहे हैं। ये पहले अपने शिकार को बेरहम तरीके से मारता है और फिर उन्हें लेकर पेड़ पे चढ़ना शुरू कर देता है। लेपर्ड को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि उसके हिस्से का मांस कोई और शिकारी खाए, यही वजह है कि साइलेंट किलर शिकार को मारकर पेड़ पे चढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले बैटल ऑफ की तरफ, जहां आप साफ तौर पे देख पाएंगे कि लेपर्ड कितने चालबाज, फ्लेक्सिबल और शातिर शिकारी होते हैं। और इस वीडियो क्लिप में यह खूंखार शिकारी अपने भोजन के रूप में इस बंदर को चुना है, जो कि यह साफ तौर पे जानता है कि इस बंदर के पास इन दोनों पेड़ों के सिवाय भागने का कोई और रास्ता नहीं है। और इस तरह ये चालबाज शिकारी अपनी फुर्ती और चालाकी को दिखाते हुए बंदर का पीछा करना शुरू कर देता है। हालांकि यह मासूम बंदर पूरी तरह से समझ गया है कि इस लेपर्ड से बचना असंभव है, लेकिन फिर भी वह अपनी जान को बचाने के लिए एक डाली से दूसरे डाली पर भागना शुरू कर देता है। लेकिन अंततः वही होता है जो मंजूर तेंदुआ होता है। और इस तरह यह तेंदुआ अपने शिकार को कुछ ही पलों में अपने चंगुल में ले लेता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। इस वीडियो क्लिप को देख कर आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि लेपर्ड कितने मजे हुए खिलाड़ी होते हैं, जो कि जमीन के साथ साथ पेड़ों पे भी शिकार करना बखूबी जानते हैं। लेपर्ड वर्सेस परक्यूपाइन। यूं तो परक्यूपाइन को हिंदी में शाही के नाम से भी जाना जाता है, जिनके शरीर पे बड़े ही मजबूत व नुकीले कांटे होते हैं, जिन्हें क्विल्स कहा जाता है। आमतौर पर ये अपने बचाव के लिए इन कांटों का इस्तेमाल करते हैं और यही वजह है कि जंगल के ज्यादातर शिकारी इनसे दूरी बनाए रखने में ही अपनी भलाई समझते हैं। लेकिन बात जब लेपर्ड की आती है तो इनकी बात ही अलग है। हालांकि लेपर्ड के लिए परक्यूपाइन का शिकार करना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि शाही मजबूत व नुकीले कांटों से घमासान के दौरान शिकारी को बुरी तरह से घायल देते हैं। लेपर्ड वर्सेस वर्थॉग। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तेंदुआ दुनिया के सबसे बड़े चालबाज, फ्लेक्सिबल और तेज रफ्तार दौड़ने वाले शातिर शिकारी होते हैं, जो कि पलक झपकते ही अपने शिकार को अंजाम तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। और लेपर्ड की यही हंटिंग स्किल इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख पाएंगे कि कैसे ये लेपर्ड एक ही झपट्टे में इस वर्थॉग को चारों खाने चित कर देता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कौन सा बैटल ऑफ आपको सबसे रोमांचक लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हां, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी हर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो खैर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।